नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाज में। अनिल, समय पहले तो ख़ास तौर से जो हमारे पास पहली बार मेरे ख्याल से और लास्ट ईयर ज़रूर ये डिजाइन बनी थी, अगर इस साल की अगर मैं बात करूं जो इस तरीके की डिज़ाइन हमारे पास, अगर आप पिछले साल की बात करें तो इसमें जो है लाइटिंग सिस्टम एक खास तौर से जी, अभी जो हम पर्टिकुलर डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे तो लाइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा चला था क्रेज। बीच में आज फिर से आया है, तो पहले क्योंकि हम ये आप जो खास तौर से हम वीडियो की बात करें तो वीडियो नहीं बनाते थे उस समय, इतना ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज भी नहीं था जी। तो अभी खास तौर से हमारे पास आता है और जो हम वादा भी करते हैं कि जो भी हमारे पास लेटेस्ट बनेगा उसके बारे में आप लोगों को जरूर जानकारी। तो अनिल, खास तौर से एक बार दिखा दीजिएगा, छोटा है पर थोड़ा सा लेटेस्ट है, क्योंकि जनरली इस तरीके के डिज़ाइन जो है बनती नहीं है। अगर आप हैंडल से ही शुरुआत करेंगे तो हैंडल में देखेंगे ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से कम बनता है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम भी हो जाता है तो उसका भी लुक बढ़ जाता है। अभी जनरली देखिए लाइटिंग का क्या है, कई बार लोग डिमांड करते हैं, कई बार ज़रूरत नहीं समझते हैं तो वो अलग से अभी लगाना चाहें तो पाइपिंग वाला आता है, वो स्टेप आराम से लग जाता है यहाँ पर। और इसके ऊपर देखिए ये टॉप में आप अगर देखेंगे तो ये क्रीम एंड ब्लैक का दो कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे ये हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लगा दिया है, अगर आप जनरली चाहें तो यहाँ पे बुडन का पार्ट भी लग जाता है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा स्मूथ रहता है, बुडन में थोड़ा हार्ड हो जाएगा जी, इसमें सॉफ्ट रहता है। हाँ, इसमें थोड़ा सॉफ्ट रहता है जी। अच्छा, ये डिपेंड करता है कई बार ज़रूरतों के ऊपर भी, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई उनको इतना है कि देखिए सामने अगर आप टेबल भी बात करें तो टेबल पर कई बार चीज़ें रखी होती हैं पर कई लोग हैंडल पर भी रख लेते हैं जी। तो अच्छा, खासतौर से अगर टेबल की बात करें, टेबल लेटेस्ट है, हाँ डिजाइनर टेबल है। अगर आप इस वाले पार्ट की अगर बात करें अनिल, अगर आप दिखाएंगे ये वाला पार्ट है, आप कुछ भी आप डेकोरेशन के लिए रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, मैगजीन पेपर जो आपको ज़रूरत है जी रख सकते हैं। इसके टॉप पे आपका गिलास आएगा जो कि आपका यहाँ से लेके इस साइड से लेके आपका इस साइड तक पूरा कवर करेगा जी। तो ये भी आपका गैप मिल जाएगा, कुछ भी आप इस पार्ट में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं जी। ये मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे मार्केट में अभी तक अनिल हम लोगों ने तो देखा नहीं इस तरीके का जी जी, नया हम लोग कई शोरूमों पर विजिट करते हैं अलग अलग शहरों के जी, तो अभी तक तो हमने देखा नहीं है। और ये लेटेस्ट जो है हमारे पास बना हुआ है। और अगर आप डिजाइन में अगर हम और बात करें इस सोफे के बारे में खास तौर से, बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर आप ब्लैक कलर का ये ऊपर दिया टचअप, नीचे पूरे में आप देखेंगे इस तरीके की सिलाई दी है। अगर आप और क्लोजली दिखाएंगे अनिल, ये देखिए ये डबल सिलाई दी है जी, ये प्लस का मार्क किया है और ये ऊपर तक आया है जी। ऊपर आप देखेंगे इसमें ये सभी में ब्लैक जो है, ऊपर हेडरेस के पास जो पार्ट रहता है जी, वो ब्लैक दिया है। अगर आप विदाउट कुशन भी आप रखना चाहें, देखिए कुशन से थोड़ा लुक और बेहतर आ जाता है जी। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप पूरा दिखाएंगे तो कुशन से लुक और बेहतर आ रहा है। अगर आप विदाउट कुशन भी बैठेंगे तो इतना कम्फर्ट के साथ बनाया है कि विदाउट कुशन भी आप आराम से बैठ सकते हैं जी। तो ये लेटेस्ट में था इसलिए दिखाया। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो बना है क्रीम का ही, ज़्यादा मैक्सिमम देखेंगे क्रीम कलर ही है जी। बस ये छोटा सा स्ट्रिप आप अगर बीच में देखेंगे, ये 4 इंच का जो है ये पूरे में ब्लैक कलर का डाला है। अगर आप स्टार्टिंग से आप दिखा देंगे ये पूरे में ही ब्लैक कलर का डाला हुआ है जी। अब फिर से हम बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से हैंडल के बारे में जी। अब देखिए ऊपर तो है ही है, इसके साइड में आपका यहाँ पे भी स्पेस है। ये दोनों तरीके से बनते हैं, एक तो क्या रहता है ये बीच में हमने एक पार्ट दे दिया अलग से जी। अगर आप ये पार्ट नहीं चाहते हैं, कई लोग और भी ज़्यादा गैप चाहते हैं, तो इसमें क्या है, जितना ये आपका सीट का गैप जा रहा है इतना भी आपको स्पेस पूरा गहरा मिल जाता है जी जी। पर इससे अगर आप सामने से देखते हैं तो इसका लुक थोड़ा अच्छा आता है जी। चलिए इसी तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है जी। तो अनिल, अभी तो मैंने जो बताया था कि इसके बारे में डिस्कस करें साथ में, कल जो दो हमारे पास वो भी है, क्योंकि जनरली जो है अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे आप ये इसी में आप देखेंगे तो इसमें इस तरीके की पाइपिंग दी है जी। जनरली आप दो कलर में देखते हैं, ऊपर मान लीजिए अभी ये ब्लू है, ये क्रीम हो गया जी, पूरा ही रहता है, पर जो इस पर काम चल रहा है उसमें आपको सभी में आपको पाइपिंग देखने को मिलेगी जी। इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी आपका पूरा हैंडल पर भी काम चल रहा है। ये आपका स्टार्टिंग से लेके बहुत बड़ा सेट है, यू शेप में बनने वाला है, तो इसके बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम इसी को कवर करते हैं और कल जिसके बारे में बात करते हैं वो यू शेप है, उसके बारे में कल हम जरूर जानकारी देंगे। अभी के लिए नमस्कार।